हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूडी जायका। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही फेमस और टेस्टी रेसिपी, चंद्रकला रेसिपी। तो ये स्वीट है ये, और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इसके लिए मैंने एक बाउल लिया और उसमें लिया मैंने मैदा। तो मैदा मैंने 2 कटोरी के बराबर लिया है, और इसमें 2 बड़े चम्मच डाल दूँगी मैं ऑयल, जिससे कि हमें इस मैदा को मोइन करना है। इसको इस तरह से मोइन करके और हल्के गर्म पानी से हमें इसका एक डो बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो बना लेंगे। देखिए डो बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल एक स्मूथ सा डो बनाना है, जैसे हम रोटी या पूड़ी बनाते हैं वैसे। और इसको ढक के 15-20 मिनट के लिए हम रख देंगे। और इधर एक पैन में मैंने 1 चम्मच लिया है घी, इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट रोस्ट करूँगी मैं। तो ये तरबूजे के बीज लिए हैं मैंने 2 बड़े चम्मच, और 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैंने खरबूजे के बीज, और 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैंने चिरौंजी। तो इनको हमें 2 से 3 मिनट रोस्ट कर लेंगे हम। इन्हें ये चटकने लग जाएंगे बीज सारे, तो पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो चुके हैं। और इन्हें हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। और इधर 20 मिनट हो चुके हैं, तो अपना आटा भी सेट हो गया, और इसको थोड़ा सा और नीड कर लेंगे अच्छे से। देखिए बिल्कुल स्मूथ आटा बन के तैयार हुआ है हमारा। और इसके 3 पार्ट कर लूँगी मैं। तो ये 3 पार्ट कर लिए हैं, तो 1 पार्ट लेके इसको गोल करके इसको हमें बेलना है। तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, तो इसको बेलेंगे। जितना बेल सकते हैं आप इतना बेल लीजिए इसको। तो ये मैंने देखिए चौड़ी रोटी बना ली है, और इसको बेल के रख देंगे। और जो 2 लोई और बनाई थी उनको भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। देखिए ये बेलनी है मैंने 3 रोटियां। तो अभी एक रोटी लेके जो बना के रखी है उसके ऊपर मैं ऑयलिंग करूँगी, और थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। देखिए ये मैदा डाल दिया, थोड़ा सा ही डालना है इसके ऊपर, और एक के ऊपर एक करके ये 3 रोटियां इसी तरह से हम सेट कर देंगे। इसी तरह से दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे, और वो तीसरी वाली रोटी है इसके ऊपर सेट कर देंगे। और देखिए ये 3 लेयर तैयार हो गई है। तो इसको हम जितना हो सकता है आप उतना बेल लीजिए, जितनी पतली आप चाहें। ये मैंने ये बड़ी सी कर ली है, और इसकी हम कुकी कटर से भी काट सकते हैं, गिलास से काट लीजिए, जो भी हो आपके पास। तो ये मैं कटोरी से कर रही हूँ। इस तरह से हम गोल गोल पूड़ी जैसा काट लेंगे इनको। तो ये निकाल ली है, और एक्सेस जो आटा है उसे अलग कर देंगे ये सारी की सारी निकाल के अलग कर लेंगे। जो आटा बचा है उससे इसी प्रोसेस से हम पूड़ियाँ बना लेंगे 3-3 लेयर लेके। और ये मैंने एक पूड़ी ली है, और उसकी जो ऊपर वाली परत थी उसको निकाल दिया है, और ये स्टफिंग डाल दी है हमने जो ड्राई फ्रूट्स बना के रखे थे, और थोड़ा सा पानी लगा दिया है जिससे कि ये चिपक जाए आराम से। देखिए, और फिर ऊपर से भी लगा देंगे, और इस तरह से इसको पैक कर देंगे। बहुत ही शानदार रेसिपी है ये, और बड़ी ही आसानी से बन जाती है। देखिए इस तरह से हम सारी बना लेंगे। देखिए ये मैंने बना ली है सारे, और लो मीडियम फ्लेम पर, इसको ज़्यादा तेल गरम नहीं करना हमें। इस तरह से ऊपर से तेल डालते हुए इन्हें सेकेंगे, जिससे कि अच्छे से ये खस्ता सिक जाए। तो इससे उलटते पलटते हुए सेकना है, ज़्यादा हीट नहीं रखनी है, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएंगी, अंदर से खस्ता नहीं होंगी। 5 से 6 मिनट लगते हैं इनको एक बैच सेकने में। देखिए ये सिक चुकी हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, बहुत ही शानदार लग रही है देखने में। इसी तरह से सारे जो चंद्रकला रेसिपी है इसको बनाएंगे हम।
ये सूख चुके हैं और जो बाकी बनाई हुई है उन्हें भी इस तरह से सेक लेंगे। और इधर मैंने एक तार की चाशनी बनाई है, एक तार की नहीं चिपचिपी चाशनी बनाई है, एक तार से कम थोड़ी सी, और इसके अंदर हम इसको डाल के रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से इसमें चाशनी भर जाए अंदर तक। और इस तरह से ऊपर से डालते रहेंगे, और 1 से 2 घंटे के बाद इस तरह से किसी भी स्टैंड पर हम इन्हें निकाल लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से थोड़ी सूखी सूखी सी हो जाए। और जाली के ऊपर रख देंगे हम इन्हें, और थोड़े से मैं डाल दूंगी इसके ऊपर तरबूजे के भी, जिससे ये गार्निश हो जाएंगे। आप बादाम भी काट के डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी चंद्रकला रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।